नमस्कार जी। आप सब लोग गौरी और गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम भद्रम कर्णे भी श्रेणुयाम देवा भद्रम पक्षे माक्षभिर्जयथा स्थिरे रंगे तुष्टुवा कंसस्थानो बिर्वासे माहि देवहितं यदायु सतमेनु शरदो अन्तिदेवा जत्रा दशरा जरसन्तानो नाम पुत्रासो चत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिक्ता युर्गन्तो आदित्यदितिरंतरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजातमादितिर्जनितवम् ॐ गणानन्ता गणपतिं भवामहे प्रियानन्ता प्रियपतिं भवामहे दिवेनन्ता निधिपतिं भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमातमजासि गर्भधम् नमो गणेभ्यो गणपतिविषवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रतस्पतिविषवो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतस्पतिविषवो नमो नमः सुग्मो दन्तस्य कपिलो गजगणका लम्बोदरस्य विट्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यावटेक्षुदापि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नतस्य न जायते। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः कृते भद्राय नेता पिडिता सन्तां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वा बाधा विमुक्तो दन्धानिष्ठान्विन् मनुष्यो मत्प्रसादे विभविष्यति न संशय ओ साचे दरबारे की जय। गणेश गौरी भगवान की जय। करवा चौथ की विधि। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक मास में वह कौन सा सुंदर व्रत है जिसको करने से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त कर व्रतधारी लोग सुखी हों। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, ये व्रत सब पापों का नाश करता है और परम कल्याणकारी है और सुहागन स्त्रियों को यह व्रत विशेष रूप से रखना चाहिए। इस व्रत को करने से उनका सुहाग सदा अटल रहता है। नारद जी बोले, महाराज, किस महीने में किस तिथि को और किस विधि से इस व्रत को किया जाता है और पूजा की सामग्री क्या है और किस समय भोजन करना चाहिए, यह सब विधि विधान से आप कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस व्रत को कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि के दिन करना चाहिए और चौथ से पहले 30 तिथि को संकल्प करना चाहिए। इसका विधान इस प्रकार है, सुहागन स्त्रियों को चाहिए वह प्रातःकाल उत्साह पूर्वक नदी, नदी संगम या सरोवर या देवकुंड या कूप या घर में ही सिर से स्नान करें और मन में भगवान का स्मरण करके व्रत का संकल्प इस प्रकार करें, हे जगत के रचेता, देवताओं के स्वामी, मेरे पति की सदा रक्षा करो, मेरा परिवार बढ़ाओ, व्रत करने वाली स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार व तरह तरह के आभूषण पहनना शुभ कार्य होता है, दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए और सारा दिन भजन कीर्तन पूजा पाठ आदि करना चाहिए।
ब्रह्मा जी ने आगे कहा, सायकाल हमारा उत्सव करें, ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाए, सोने चांदी मणि तांबा या फिर मिट्टी या गोबर की प्रतिमा बनाए, लाल कपड़ा ओढ़ाएं, श्रद्धा से चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल और दक्षिणा से पूजा करें और प्रतिमा के सामने एक पात्र में दूध डालें, फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे ईश्वर हमारे पति की सदा रक्षा करें, पुत्र नाती सहित धन संपत्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को दक्षिणा दें, अनेक प्रकार के दान करें, इस तरह अपने कुल के बड़ों को संतुष्ट करें, जैसे सास ननद फूफिया सास इनको भेंट देकर इनके चरण छुए और फिर रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ चढ़ाकर पानी पिए, व्रत खोलें, भोजन करें। बोल गौरी गणेश भगवान की जय। थोड़ा सा जल और चावल अपने राइट हैंड में रख के संकल्प लेना है। संकल्प में भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे पति की लंबी उम्र हो। और आज का जो संकल्प है कथा का, इस प्रकार से कीजिएगा। ओम विष्णु 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 दशरथ श्री ब्रह्मणो अनदिते प्रारे श्री श्री बारह कल्पे वैवस्व मन्त्रे अष्टाविष्टमे कलयुगे कलितुचारणे बोधातारे जंगो दीपे अमेरिका खंडे क्रीडा देशे प्रवियो प्रदेशे हमिल्टन नामनी नगरे देवालय हिंदू समाज देवालय मासानाम उत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी याम तिथो अमुक बार वासरे भूमवार वासरे अमुक गोत्रपन्नो हम अमुक नामो हम। अपना अगर गोत्र याद है तो गोत्र बोल सकते हैं, अपना नाम, अपने पति का, पहले अपने पति का नाम फिर अपना नाम बोलिएगा। सुरते समृद्ध प्राण फल कृत कायिक वाचिक मानसिक समस्त पाप से पूर्वकम दुष्कर दोष निवारतम शुभ प्राप्त्यर्थम गृह अखंड लक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थम शरीरे सर्वाणि भोगानि दूरकरणार्थम मनोभिलाषा पूर्णार्थम मनोभिलाषा पूर्णार्थम अर्चनम वंदनम च अहम करिष्ये। ये जल थाली में छोड़ सकते हैं या नमा के नीचे भी छोड़ सकते हैं, पर थाली में छोड़ लीजिए ज्यादा अच्छा। और फिर करवा चौथ की कथा सुनिएगा। एक थी वीरू नाम की लड़की, उसके साथ भाई थे। सात भाइयों की वीरू एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ व्रत का दिन आया, वीरू ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरू को भूखी प्यासी देख उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ। उनसे वीरू का मुरझाया चेहरा देखा नहीं गया। उन भाइयों ने जंगल में दूर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला दी। वह ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो। फिर मानसिक रूप से आप लोग अपनी थालियां यानी के बटा सकते हैं कि हम सर्कल में अपनी थाली बटा रहे हैं ब्लॉक वाइज। ऐसा सिर्फ ध्यान करना है, आपने बटानी नहीं है। जो ऑनलाइन है, जो देख रहे हैं, वो लोग अगर अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो वो लोग अपनी बटा सकते हैं, सिर्फ फैमिली के जो हैं, बाकी सभी मानसिक रूप से। ओम ले बीरो पूरी करवड़ा ले करवड़ा बटाइए चौबंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना पान पैर पाई ना तते अपन तेरी ना पूंछ लकड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले करवड़ा ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना तते अपन तेरी ना पूंछ लकड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले करवड़ा ले शर्म सुहागन करवड़ा ले बीरो पूरी करवड़ा ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रुटे या मनाई ना
पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लै करवड़ा मटाइए चौवंजा चोली पाई लै सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना लै करवड़ा करवड़ा लै सर्व सुहागन करवड़ा। फिर घर आकर उन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देख वीरू, तेरा चांद निकल आया है। वीरू ने पूछा कि भाभियों का चांद तो अभी निकला नहीं, तो फिर मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि तेरी भाभियों का चांद भी निकल आएगा। इसी भ्रम में आकर वीरू ने व्रत खोल लिया और वीरू का व्रत टूट गया। अब आप लोग दूसरी वार्थालियां बताएंगे मानसिक रूप से। ले भीरो कूड़ी करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतेड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना ततया अठेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतेड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा ले बीरो कूड़ी करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। इसे आगे की कथा। वीरू का राजापति गहरी नींद में सो गया। उसके सोते ही उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरू को राजा की सुइयां निकालते निकालते साल बीत गया और फिर से करवा चौथ का व्रत का दिन आया। करवे बीनने के लिए आए वीरों ने फिर से यह व्रत रखा और मन में संकल्प किया कि वह इस बार सबके साथ ही अपना व्रत खोलेगी और जब चंद्रमा निकलेगा तब ही व्रत खोलेगी। फिर से आप लोग अपनी मानसिक रूप से ध्यान करके थालियां बटा सकते हैं। ले वीरो कूड़ी करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा। बीरू अपनी दासी को राजा की सुइयां निकालने के लिए राजा के पास बिठा के व्रत के पूजा के लिए चली गई और जैसे ही पूजा समाप्त हुई किरण दासी ने राजा की आखिरी सुई निकाल दी। राजा गहरी नींद से उठ बैठता है और उस दासी को ही अपनी रानी समझ लेता है। फिर से आप लोग अपनी थाली बटा लीजिए। ले वीरो कूड़ी करवड़ा ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा बटाइए चौवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बान पैर पाई ना ततया अटेरी ना पूंछ रखड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले बीरो कूड़ी करवड़ा। अब क्या हुआ, जो दासी थी
वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई। अब वीरो बहुत ही दुख में पड़ी। एक दिन की बात है, राजा प्रदेश जाने को तैयार हुआ तो जो दासी रानी बन बैठी थी उसने राजा से बहुत सारे गहने और आभूषण परदेश से लौटते समय रानी को कहा तो राजा ने कहा कि ठीक है। चलते समय राजा ने उस दासी से भी पूछ लिया जो रानी थी अब दासी है कि मैं परदेश जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। वीरों ने जो अब दासी है केवल एक गुड़िया ही राजा से लाने को कहा। फिर से मानसिक रूप से आप लोग अपनी थाली बटा सकते हैं और जो परिवार के हैं वो आपस में बटा सकते हैं। ले बीरो कूड़ी करवड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पतेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पतेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा ला सर्व सुहाग करुणा वीरो कूड़ी करुणा। समय बीता, राजा परदेश से लौटा तो दोनों की अपनी अपनी चीजें उन्हें दे देता है। अब वीरों को गुड़िया मिल गई। वीरो दासी हमेशा अपनी दुख भरी कहानी उस गुड़िया से कहती। फिर से आप लोग अपनी थाली बटा सकते हैं। ले बीरो कूड़ी करवड़ा ले करवड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पटेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा बटाइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पटेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले सर्व स्वागत करवड़ा। एक दिन क्या हुआ कि वीरो उस गुड़िया को अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी कि जो रानी थी वो दासी बन गई और जो दासी थी रानी रह गई। राजा उधर से निकल रहे थे तो राजा ने वह सब कुछ सुन लिया और सारी सच्चाई राजा के सामने आ गई। तो राजा ने अपनी वीरो रानी को अपने हृदय से जगाते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से वीरो रानी के दिन फिर से अच्छे हो गए। रानी थी सो रानी बन गई जो दासी थी वह दासी रह गई। बोल गणेश भगवान की जय। फिर से अपनी अपनी थाली बटा लीजिए लास्ट बार। ले बीरो कूड़ी करवड़ा बटाइए चौबंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पटेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा बताइए चवंजा चोली पाइए ले सुतड़ा जगाई ना रूठे या मनाई ना बांध पैर पाई ना तत्ते या पटेरी ना पूंछ रगड़ा फेरी ना ले करवड़ा ले सर्व सुहाग करवड़ा। अपने अपने थाली मथे से लगा के चुन लीजिए। फिर जल लेके मिंसना है और मेरे साथ बोलना है। 3 बार जल घुमा के फिर नीचे जमीन पर छोड़ना है वो जल। मेरे साथ बोलिए बार वरते आज है शुभ बार सदा सुहागन का सुहाग पाग दुध नाल पुत नाल रिजक नाल पाग नाल जैसा पाग वैसा राग। अब 3 बार घुमा के थाली के ऊपर से छोड़ दीजिए क्लॉकवाइज घुमा के ना 3 बार आगे छोड़ लीजिए।
आपकी व्रत की पूजा यहीं पर समाप्त हो रही है। जो चंद्रमा है वो 7 बजे दिखाई देगा, इस बार काफी जल्दी है। जो ज्योति है वो आप माता जी के आगे रख सकते हैं।